हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर और हम इसके अंदर बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में कौन सी मोबाइल ऐप है वो जारी की गई है। अब देखिए, यहाँ पे केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु है, इनके द्वारा 8 अगस्त है उसको निर्यात मित्र है ये ऐप है वो जारी की गई है। तो ध्यान रखना आपको कौन सी ऐप जारी की गई है, निर्यात मित्र है ये जारी की गई है। और ये देखिए, ये ऐप है क्या करेगी, हमारे देश के अंदर निर्यात का माहौल है वो तैयार होगा और जो क्या होगा, कारीगर, कुटीर उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमियों को निर्यात के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। चलिए अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व सचिव तथा लोकसभा के पूर्व महासचिव टी के विश्वनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने किन नियमों से जुड़े अपने सुझाव दिए हैं। देखिए यहाँ पे इस समिति के द्वारा बाजार धोखाधड़ी निगरानी है इसके लिए अपने सुझाव है दिए हैं और इसमें ये दिया गया है कि देखिए सेबी है उसको जो इनकी कॉल ट्रेस है उसका अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो धोखाधड़ी से संबंधित है उनकी कॉल है उसको ट्रेस कर सके और उस पर अपना है वो प्रतिबंधित लगा सके या कुछ आवश्यक कार्रवाई है वो कर सके। तो ये है यहाँ पे, देखिए ध्यान रखना आपको, पूर्व विधि सचिव तथा लोकसभा पूर्व महासचिव टी के विश्वनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने किन नियमों से जुड़े सुझाव दिए हैं, तो बाजार धोखाधड़ी नियम निगरानी है इसमें अपने सुझाव है वो दिए हैं। अगला हमारे यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अगला है ये, किस हाईकोर्ट ने भीख मांगने को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। देखिए यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट है उनके द्वारा है भीख मांगने को अब अपराध की श्रेणी है उससे बाहर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए पहले, इससे पहले क्या था कि पहली बार अगर कोई भीख करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे 1 से 3 वर्ष तक की क्या थी, कैद थी, और अगर दूसरी बार वो पकड़ा जाता था तो उसको 10 वर्ष तक की कैद थी। तो इसको यहाँ पे है देखिए दिल्ली हाईकोर्ट है उसकी उनके द्वारा है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और देखिए आपको दिल्ली हाईकोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस कौन है, गीता मित्तल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका हो जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस है वो आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को, कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व जैव दिवस है वो 10 अगस्त तक मनाया जाता है। और देखिए हाल ही के अंदर मनाया गया था तो इसमें नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा 2022 तक क्या है कि जैव ईंधन है उसमें इथेनॉल है वो 10% मिला जाएगा, हमारे जो पेट्रोल है उसके अंदर कितना है 10% है वो इथेनॉल मिलाया जाएगा, जबकि देखिए 2030 तक की बात करें तो इसके अंदर हमारे जो पेट्रोल है उसके अंदर 20% तक क्या है इथेनॉल मिला जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव ईंधन, विश्व जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा पेट्रोल के अंदर 2022 तक कितने इथेनॉल मिलाए जाने की बात कही है, तो ध्यान रखना 10% और 2030 तक 20% इथेनॉल मिलाए जाने की बात कही है। अब देखिए कुछ और बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं इसके बारे में, देखिए तो यहाँ पे देखिए एथेनॉल है उस पर जीएसटी है वो 18% से घटा कर कितनी प्रतिशत कर दी है, 5% कर दी है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा जीएसटी है वो कितनी कर दी है, जीएसटी है वो एथेनॉल पर 18% से घटा कर 5% कर दी है। इसके अलावा देखिए डीजल इंजन के आविष्कारक है सर रुडोल्फ डीजल है उनके द्वारा क्या है कि देखिए सर्वप्रथम 10 अगस्त 1883 यानी कब 10 अगस्त 1893 है, तो 18 अगस्त 1893 है इसको पहली बार मूंगफली के तेल से यांत्रिक इंजन को सफलतापूर्वक चलाया गया था। तो ध्यान रख लीजिए पहली बार क्या है 10 अगस्त 1893 को मूंगफली के तेल से यांत्रिक इंजन है उसको चलाया गया था। और इसके बाद में ये है यहाँ पे जीवाश्म तेल से में यहाँ पे देखिए जैव ईंधन है इनसे चलाए जाने की घोषणा हुई है। अब देखिए जैव ईंधन है इससे चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, तो ध्यान रखना है कि डीजल इंजन है इसके आविष्कारक कौन है, ध्यान रख लीजिएगा डीजल इंजन के आविष्कारक है सर रुडोल्फ डीजल। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो डीजल इंजन उनके नाम से हो जाएगा आपका सर। सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा आप पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे गूगल के अंदर जेपी भाकर लिखें और हमारा जो पहला टैब खुल रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप हमारी वेबसाइट jepybhakar.com से लेटेस्ट पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेरे द्वारा अनअकैडमी ऐप है वहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर अनअकैडमी ऐप के अंदर जयपाल भाकर सर्च करें और आप हमारे मैथमेटिक्स रीजनिंग और जीके जीएस के आप वीडियो देख
सकते हैं वहां पर भी। तो अभी जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। इसके अलावा देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखिए ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है वो रहा है 57वां। जबकि देखिए अगर बात करें 2017 की, तो 2017 के अंदर ये स्थान था, ये था 60वां। तो भारत है तीन स्थानों की छलांग लगाते हुए कौन से स्थान पर पहुँच गया है? 57वें स्थान पर पहुँच गया है। इसके अलावा देखिए बात करें जीआईआई ने है क्या ये, तो देखिए जीआईआई है, इसको हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जीआईआई, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? जीआईआई है, ये बोल सकते हैं। अब देखिए जीआईआई है ये क्या है, 80 मानकों के ऊपर 126 अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर है इसको तैयार किया जाता है। और इसका ये इस बार था कि 11वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था इसके बारे में, और भारत ने इसके अंदर सुधार किया है, कितने स्थानों का सुधार किया है? तीन स्थानों का, और 97वें स्थान पर पहुँच गया है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं जो इस प्रकार से हैं, भारत के राष्ट्रपति सोमनाथ कोविंद ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? देखिए भारत के राष्ट्रपति सोमनाथ कोविंद है, उनके द्वारा एक जिला एक प्रोडक्ट है इसका उद्घाटन है वो किया है लखनऊ के अंदर। और आपको पता है लखनऊ है ये किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ की आपको पता है कि मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ध्यान रखना है ये भी चीज़ आपको। और इसके अलावा देखिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, कि सर्च इंजन ने हस्तियों से संबंधित एक वीडियो ऐप लॉन्च की है? तो देखिए यहाँ पे किस सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर आपका यहाँ से हो जाता है गूगल। गूगल के द्वारा क्या किया है कि एक सर्च इंजन है जिन्होंने हस्तियों के से संबंधित एक वीडियो लॉन्च किया है, यानी आपको कोई भी हस्ती है उसका संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस ऐप के अंदर क्या है उस हस्ती का नाम लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको उसकी उस हस्ती से संबंधित संपूर्ण डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो ये है गूगल के द्वारा है ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गूगल है, इसके आपको पता होगा अभी वर्तमान में CEO कौन है? तो गूगल के CEO वर्तमान में कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदर पिचाई। ये कौन है? भारत के ही है, तो ध्यान रखना है वर्तमान में CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। और इसके अलावा आपको ये भी थोड़ा पता होगा कि देखिए गूगल है तो ये शुरू कब हुआ था, देख लीजिएगा गूगल है यहाँ पे तो 15 सितंबर 1997 को ये अस्तित्व में आया था। ध्यान रखना है आपको कि देखिए 15 सितंबर 1997 को गूगल है वो अस्तित्व के अंदर आया था, तो 15 सितंबर इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए सुंदर पिचाई भी आप ध्यान रख लीजिए CEO, और सर्वप्रथम ये शुरू कब हुआ था? 15 सितंबर 1997। आज तो ये सभी की जगह फेमस है, आज तो हम कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लीजिएगा इसका अस्तित्व है वो आया था 15 सितंबर 1997 को, और इसके CEO है सुंदर पिचाई। चलिए हम अगला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जो इस प्रकार से हैं, सहज भुगतान अनुभव प्राप्त करने के लिए पेपल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ से हो जाता है, देखिए सहज भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए पेपल ने HDFC है इसके साथ क्या है साझेदारी की है। अब थोड़ी सी चार बैंक आई है तो अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं ALP के, तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ जो आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं HDFC, एक्सिस बैंक और SBI है इनकी बात कर, इन सभी की मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय है मुंबई के अंदर स्थित, ठीक है। मुख्यालय की बात तो आपकी हो गई यहाँ पे, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है या CEO की। तो देखिए HDFC है इसके क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आदित्य पुरी है, तो ध्यान रखना है इसके कौन है? आदित्य पुरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आदित्य पुरी है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसी प्रकार से देखिए हम बात करें एक्सिस बैंक की, किसकी बात करें? एक्सिस बैंक की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वो है सिक्का शर्मा। कौन है? सिक्का शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए एक्सिस बैंक है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है वो सिक्का शर्मा है। इसी प्रकार से देखिए हम बात कर लेते हैं SBI की, तो देखिए SBI की CEO ये है आपकी अरुंधति भट्टाचार्य, तो ध्यान रखना है इसकी CEO कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य है। इसी प्रकार से देखिए आपकी बैंक एक बैंक बच गई है ICICI, और इसकी आपकी पता है कि आपको CEO है वो कौन है? चंद्रा कोचर है, तो ध्यान रखना है चंद्रा कोचर, और आपको पता है चंद्रा कोचर है वो कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर की रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सही आंसर इसमें हो जाता है HDFC। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए तीन इंटरनेशनल बियर डे है, तो ये है देख लीजिए थर्ड जो इंटरनेशनल बियर डे है वो मनाया जा रहा है फर्स्ट फ्राइडे इन अगस्त में, तो ध्यान रख लीजिएगा फर्स्ट फ्राइडे अगस्त में है ये मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये तो थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अलावा देखिए आज हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, और वो है यहाँ पे देखिए अल्वानिया, जो अल्वानिया है इसकी देखिए यहाँ पे राजधानी है वो है तिराने, और ये इसकी जो मुद्रा है वो है लेक। तो ध्यान रख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके एएलपी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलवे के अंदर या किसी में भी पूछा जा सकता है। तो अल्वानिया है, इसकी राजधानी तो कौन सी है, तिराने, और इसकी जो मुद्रा है वो है लेक। तो दोस्तों आपको ये लेसन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेसन के साथ इसी प्रकार के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।